खरगोन में बीती रात ग्राम देवली मार्ग स्थित खेत में काम कर रहे किसान के साथ मारपीट कर गर्दन में चाकू से वार करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने महज 12 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को सभी आरोपी शराब के नशे में थे और रास्ते पर खड़े किसान के बेटे से उनकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बीच बचाव करने पहुंचे चोड़ी निवासी दशरथ पटेल से मारपीट कर चाकू से वार कर दिया। पांचों हमलावर सुनसान रास्ते से भाग निकले थे, उन्हें पकड़ना चुनौती भरा था, लेकिन पुलिस टीम ने बेहतर काम किया। किसान से मिले हुए हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश में टीम रात को ही जुट गई थी। नाकाबंदी भी की गई। संदिग्धों के फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर से मिलने के बाद पुलिस द्वारा उनकी फोटो सभी जगह वायरल कर दिए। इस दौरान दूधकोट में संदिग्धों के होने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, जहां से गणेश पिता वेचान निवासी वडिया गोखराली बेड़ी, पिंटू पिता भूरिया बड़ोले निवासी काकड़िया फाटा पिपलिया बावड़ी, सुनील पिता भूरिया बड़ोले निवासी काकड़िया फाटा पिपलिया बावड़ी, बादल पिता डोंगर सिंह भूरिया निवासी थरपुर, जितेंद्र पिता भूरिया चौहान निवासी डाबला को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों पर हत्या का प्रयास करने के तहत गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर चाकुओं के साथ कई तरह के वीडियो अपलोड किए थे। वह फेमस होना चाहता था। आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र व नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। करीब 8 बजे देवली रोड पे दशरथ पटेल जो कृषक हैं मूलतः, उनके ऊपर हमला हुआ और चाकू से चोट पहुंचा के उनको गंभीर रूप से घायल किया गया था। सूचना बहुत ही गंभीर थी, इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए SDOP खरगोन राकेश मोहन शुक्ला, हमारे आसपास के सभी थाना प्रभारी, हमारी साइबर की टीम, ये सभी अधिकारी तत्काल मौके पहुंचे थे और ये पता लगा कि चाकू उनके शरीर में अभी है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। और सबसे पहली प्राथमिकता उनका उपचार थी, तो उपचार के लिए पूरी व्यवस्थाएं इंदौर में कराई गई। हमारी जो अधिकारी ऑलरेडी इंदौर में थे, उन्होंने MYS हॉस्पिटल पहुँच के सारी व्यवस्थाएँ की और कुल मिला के तत्काल उपचार उपलब्ध होने के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वो अभी खतरे से बाहर है। ये घटना काफ़ी गंभीर थी और गंभीरता को देखते हुए कई सारी टीमें इस पर लगाई गई। जो थाना प्रभारी विष्टान, थाना प्रभारी भगवानपुरा, हमारे प्रोफेशनल IPS अधिकारी, कई सारी टीमें इसमें लगाई गई। पूरी रात इसमें कॉम्बिंग और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। कई सारी लीड्स इसमें मिली कि हमला किस कारण से हुआ और कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 आरोपी स्थानीय भगवानपुर और विष्टान क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। घटना के समय इनका किसी कारण से विवाद हुआ था दशरथ के लड़के से। जब दशरथ ने वहाँ पहुँच के इंटरवीन किया तो इनमें से 2 व्यक्तियों ने जो चाकू इनके पास रखा हुआ था, चाकू से हमला कर दिया और गंभीर रूप से उनको घायल किया था। इन 5 में से एक जो आरोपी है ऑलरेडी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, स्थायी वारंट जारी किए हुए हैं। इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जा रहे हैं। प्रेमा फेसिया यंग लड़के हैं और मुझे लगता है भ्रमित लड़के हैं और इस प्रकार की घटनाएं करके समाज में अपनी आइडेंटिटी स्थापित करना चाहते हैं। 5 को अरेस्ट कर लिया गया है। इनकी गुजरात की पृष्ठभूमि में है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की हम लोग जाँच कर रहे हैं। इस प्रकार 24 घंटे से भी कम समय में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अपराध में सभी जो आरोपी संलिप्त थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और टीम्स ने अलग अलग स्थानों पर रेड करके गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे अपराध में खुलासा करने के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का नाम घोषित किया गया था, जो पूरी टीम को दिया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.